Next question. Question says three forces P, Q and R are at a point in a plane. The angle between P and Q, Q and R are 150 degree and 120 degree respectively. Then for equilibrium, the forces P, Q and R are going to be in this ratio 1, 2, 3, या फिर 1 is to 2 is to root 3, या फिर 3 is to 2 is to 1, या फिर under root 3 is to 2 is to 1. Now, Lemmas theorem का सवाल है, पहले situation समझते हैं क्या है. Situation ये है कि आपने तीन forces दिए हुए हैं. So, let us say, P जो force है आपका, वो इस direction में है. So, ये अपना P force. एंगल बिटवीन पी एंड क्यू हमें दिया हुआ है 150 डिग्री. सो पहले एक बार अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये आपका 150 डिग्री है क्यू का एंगल. सो दैट मींस ये वाला एंगल 90 प्लस ये वाला एंगल 60, तो टोटल एंगल आपका 150 हो गया एंड दिस विल बी फोर्स क्यू. उसके बाद तो ये 150 हुआ, तो ये वाला आपका 30 का एंगल हो जाएगा. सो और ये वाला आपका 60 का एंगल है. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद है क्यू एंड आर, आर उनके बीच एंगल है 120 डिग्री. सो 30 प्लस 90 दैट मींस ये आपका आर फोर्स इस डायरेक्शन में है. सो ये वाला एंगल हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री एंड हेंस ये वाला आपका 90 का एंगल हो जाएगा बिकॉज इनका सम 360 होना चाहिए. नाउ लेमिस थ्योरम का सवाल है, हमें बताना है कि देन फॉर इक्विलिब्रियम इनका रेशियो क्या होगा. सो अप्लाइंग लेमिस थ्योरम वी कैन राइट पी डिवाइडेड बाई पी जो फोर्स है उसके अपोजिट एंगल दैट इज 120 डिग्री, पी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू के अपोजिट आपका 90 एंगल है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय साइन के आर के अपोजिट जो है साइन का एंगल, मतलब ये एंगल अपना 150 डिग्री है, सो डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री. नाउ इनकी वैल्यू अगर लिखें सो वी कैन राइट पी डिवाइडेड बाय साइन 20, उसकी वैल्यू होगी रूट 3/2, क्यू डिवाइडेड बाय 1 साइन 90 1 होएगा, डिवाइडेड बाय आर साइन 150 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2. नाउ अगर तीनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सो वी विल गेट पी डिवाइडेड बाय रूट 3 विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो इसका सबका रूट 3/2 ये कैंसिल हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू आर. नाउ दैट मीन्स इसका मतलब ये है अगर हम इन रेशो की बात करें सो वी कैन राइट पी इज टू क्यू इज टू आर विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 3 इज टू 2 इज टू 1. दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर.